जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के, और वो नबी सल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरी लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहाँ हम पार्टियां कर रहे थे, जहाँ हम लगे हुए थे इधर उधर मस्तियों के अंदर, अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है, वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस। ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये गुरुजी है, ये फलान है, ढिमकाना। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं, और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर, कि आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। एंड एज़ अल्लाह सेज़, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज़, अना इन दफन नियब्दी भी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू कंजूस आएगा तुझे कंजूसी मिलेगी, तू गनी होके आएगा लोगों से हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता। You come the way you come to me and I'll give you the way. तू एक कदम बढ़, हम दस दूर, हम कायन, हम पे के तीन नुक्तों को से के तीन नुक्ते बनाएंगे। लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा, तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियर साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू आ, तू हाथ रखेगा हम सोना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है, सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं, सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर, सदियां हैं, तन्हाइयां हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद। और सोचें वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी, वो भूल गया। तेरे भी आइडियो को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा, कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाद मिलेंगे तुझे लोग। तेरा आइडिया लेके उसको रीन्यू, क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है, वो तो उससे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे। जीनियस वहीं मर जाएगा।